हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फिर से हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके पहले सब्जेक्ट्स फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के बारे में, इसकी फोर्थ यूनिट, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसे चल रही है तैयारी आपकी। एग्जाम सेमेस्टर का एग्जाम्स बहुत करीब है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, रिविज़न चल रहा होगा। तो बस उसी रिविज़न को कुछ हेल्प करने के लिए मेरी वीडियोज़ आपके लिए हाजिर हैं। तो फोर्थ यूनिट की बात कर रहे थे, आपके पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व के बारे में, इस फोर्थ यूनिट को समझिए पहले, उसके बाद हम इसको खत्म भी करेंगे। तो फोर्थ यूनिट में पढ़ना क्या है बच्चों, फोर्थ यूनिट में टोटल आपको चार पॉइंट पढ़ना है, ठीक, चार टॉपिक पढ़ना है। चार टॉपिक का पहला पॉइंट यही है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्कूल एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा विद्यालय है वो एक अधिगम संगठन के रूप में कैसे कार्य करता है, इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप उसके सामने देखेंगे तो लिखा होगा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उसका मिशन क्या है, विजन क्या है और उद्देश्य क्या है एक विद्यालय की अगर हम बात करें। तो सवाल रिपीटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि विद्यालय से आप क्या समझते हैं, विद्यालय की अर्थ विशेषताएँ, विद्यालय की परिभाषा, विद्यालय का संदर्भ, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व, इस फर्स्ट पॉइंट से इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। स्कूल एज एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके महत्व क्या है, इसका विजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव स्कूल, मतलब एक जो प्रभावशाली विद्यालय होता है उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुछ विशेषताएँ होती हैं, किसी भी लीडर की एक विशेषताएँ होती हैं, तो वो क्या कैरेक्टर है किसी विद्यालय की, जिसे हम अफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली विद्यालय कहेंगे, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। थर्ड पॉइंट है आपका इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे मान लीजिए शिक्षा के बदलते स्वरूप में विद्यालय की क्या भूमिका है। आप देखेंगे कि शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से बदल गया है आजकल। जैसे पहले मैथ्स की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट में कितनी किताबें होती थी, छः छः मैथ्स की किताबें होती हैं, साइंस की अलग अलग किताबें होती थी, एग्ज़ाम्स का पैटर्न बदल गया। पहले इंटर में फर्स्ट ईयर का पेपर अलग होता था, सेकेंड ईयर का अलग होता था, अब इस बार पूरा शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है। तो इस शिक्षा के बदलते स्वरूप में विद्यालय की क्या भूमिका है, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आए, जैसे मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सारे पॉइंट पढ़ना है। इस यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है वो है बच्चों प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, मतलब व्यवसायिक महत्व क्या है, शिक्षा का व्यवसायिक महत्व। कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा अगर शिक्षित हो रहा है, तो उसका प्रोफेशन में व्यवसायिक में क्या वैल्यू है, वो कितना आगे जाएगा, और शिक्षा कैसे एक इंसान को व्यवसाय में मदद करती है, और एथिक्स मतलब आपका आपके नैतिक, आपके आचरण, आपके आचार, इसके बारे में पढ़ना है कि इन सब का महत्व कितना है शैक्षिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन दृष्टिकोण से। तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। आपने यूनिट को समझ लिया, अब हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट को हम कवर अप करते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विद्यालय की अर्थ परिभाषा आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है, या फिर इनके उद्देश्यों का वर्णन करिए, या फिर विद्यालय से आप क्या समझते हैं इस पर रोशनी डालिए। तो आइए ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट्स को, अगर समय मिला तो इस वीडियो में, अदरवाइज हम अगले वीडियोस में बाकी के पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। दोस्तों इस पॉइंट्स को अगले 2 से 3 दिनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। डेली के सुबह के 10 बजे आपको एक वीडियोस मिलेंगे आपके इस सिलेबस के और इस यूनिट के रिगार्डिंग, और आपके यूनिवर्सिटीज़ के बीएड्स के रिगार्डिंग डेली सुबह आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएंगे, आप चैनल से बने रहिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं और पहले पॉइंट्स को देखते हैं, जो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि विद्यालय से आप क्या समझते हैं, अर्थ विशेषताएँ, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व को जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपके पहले पॉइंट को। सबसे पहले आप देखेंगे अगर विद्यालय की हम अर्थ की बात करें, तो हम सबको पता है कि विद्यालय क्या है, समानता, जहाँ विद्यार्थी को शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है उसे हम विद्यालय कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं, स्कूल का हिंदी रूपांतरण है। जो स्कूल है ना, वो 2 शब्द से कहा जाता है कि ये स्कूला, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला या स्कूले एक नामक एक यूनानी वर्ड से लिया गया था, कि यूनानी के एक वर्ड स्कूला से हुआ है। स्कूला का मतलब होता था कि अवकाश, यह बात कुछ विचित्र सी जानी पड़ती है, इसका स्पष्ट है कि एक एल एफ
एलिच ने लिखा था, उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे माना जाता है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि देखो, वाद विवाद या वार्ता का स्थान, इसका मतलब होता है जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय खेलकूद, व्यवसाय, युद्ध प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी सुंदर उद्यानों में व्यतीत की जाने वाली अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। अब यहाँ पे समझिए क्या है, कहा जाता है ना कि जो स्कूल शब्द है वो यूनान के स्कूला से लिया गया है। स्कूला का मतलब होता है कि अवकाश। अब होता ये था कि एक जगह थी जहाँ पे वो अवकाश में यानी कि छुट्टियों में खाली समय में बैठ के वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, उस जगह को स्कूला कहा जाता था यूनान के शब्दों में। धीरे धीरे वहाँ पे बैठ के युद्ध की रणनीति होने लगी, वहाँ पे नई कलाओं को सीखा जाने लगा, प्रशिक्षण होने लगी, ट्रेनिंग होने लगी, तो धीरे धीरे वह जगह जो है ना वो विद्यालय के रूप में आ गया कि जो भी शिक्षा दीक्षा का काम होता था वहीं से, तो वहीं से स्कूल शब्द का स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई और उस जगह को स्कूल कहा जाने लगा। मतलब वो स्थान जहाँ पे कहीं किसी चीज़ की शिक्षा दी जाती हो, तो इस प्रकार से स्कूल शब्द नया फॉर्म में आया। अगर हम इसको हिंदी लैंग्वेज में देखें बच्चों, तो हिंदी लैंग्वेज में इसको कि हिंदी में स्कूल को हम विद्यालय कहते हैं, तो विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, अर्थात जहाँ पे विद्या की प्राप्ति होती है उसे विद्यालय कहते हैं। अतः विद्यालय वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालक एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करता है। यहाँ से हम विद्यालय का अर्थ एक और निकाल सकते हैं। कुछ और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें विद्यालय के अर्थ में, तो हम कहते हैं ना कि विद्यालय एक समाज का या समुदाय का एक लघु रूप है। आपका समाज कैसा है, जैसे मान लो किसी भी एरिया या किसी भी पर्टिकुलर वहाँ का समाज कैसा है ना, वहाँ के आप स्कूलों में जाइए, उस समाज का लघु रूप आपको उस विद्यालय में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसी समुदाय के उसी तरह के बच्चे दिखेंगे, उसी रंग रूप के वैसे ही लोग मिलेंगे। तो कहा जाता है कि जो विद्यालय होता है बच्चों, एक समाज का लघु रूप होता है। अच्छा, उस विद्यालय की स्थापना क्यों की गई, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की गई, ठीक है। इसमें उन सामूहिक क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जिनमें भाग लेकर बालक स्वयं को सामाजिक रूप में समाज के कुशल सदस्य बना सके, ठीक है। दूसरे शब्दों में उत्तम नागरिकों के गुण को सीख सके और भावी समाज में उन्नति की प्रगतिशील कर सके, उन्नति को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान से देना है, यहाँ पे बहुत ही इतनी फॉब्रेल ने विद्यालय के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो विद्यालय है ना वो एक बच्चों का गार्डन है, दैट इज़ द चिल्ड्रन गार्डन, एक बच्चों का उद्यान है। अब जिस तरह से माली पेड़ पौधों की खुदाई, निराई, सिंचाई, जुताई से करके एक नया पौधा बनाता है जो कि एक बेहतरीन फूल देने के लिए तैयार करता है उन पौधों को, ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक है वो बच्चों का सर्वगीण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, इमोशनल्स वो सब क्या करता है, वो विकास करता है और उनका पालन पोषण करता है विद्यालय के अंतर्गत। तो यह विद्यालय के अर्थों के बारे में फॉब्रेल ने बताया था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि विद्यालय के बारे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखें इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा के बारे में आप देखेंगे, ए के सी ओटावे ने कहा था विद्यालय को कैसे परिभाषित किया है, विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण प्रदान करने के लिए हो, ऐसे परिभाषा उन्होंने दिया है। आगे रॉस ने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। मतलब विद्यालय वो स्थान है जो समाज के व्यक्तियों को क्या बनाता है बच्चों, सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य बनाता है। विद्यालय के बारे में ऐसा कहा जॉन डीवी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्होंने ही परिकल्पना करी थी शिक्षा के बारे में जो क्या है, थ्री डायमेंशनल है, त्रिविमुखी है। तो जॉन डीवी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके डेफिनेशंस। इन्होंने कहा था कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट है, विशिष्ट का मतलब स्पेशल, जहाँ जीवन के कुछ गुण और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वंचित दिशा में हो, मतलब सही दिशा में हो। यहाँ पे व्यवसायों की शिक्षा की भी बात करी है इन्होंने कि स्कूल में बच्चे व्यवसायिक शिक्षा भी लेते हैं और अपने जीविकापार्जन के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात विद्यालय की परिभाषा की। अगर हम महत्व की बात करें बच्चों, तो महत्व तो आपको स्वयं से लिखना है कि विद्यालय का महत्व क्या है, हमने क्यों विद्यालय को बनाया। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में उतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ना उतना आबादी था, ना उतनी जनसंख्या थी, तो लोग एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे।
लेकिन अभी क्या है, अभी समाज बड़ा हो गया, समुदाय बड़ा हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, तो अब हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा एक दूसरे से, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई तकनीक को लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है, जो हमें सिखाती है नई चीज़ें। तो अगर हम आवश्यकताओं की बात करें तो विद्यालय की एक आवश्यकता क्यों है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है विद्यालय। एक बच्चा स्कूल, एक बच्चा अपने घर में है, अपने परिवार के साथ है, तो वो अपने परिवार की चीज़ों को सीख रह रहा है, उसे नहीं पता कि उसके परिवार से बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये विद्यालय उसको परिवार से और विश्व से जोड़ता है, एक कड़ी बन जाती है जहाँ पे बच्चा सीखता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा गया है, तो वहाँ पे देखेंगे कि परिवार बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, सेवा तथा अनुशासन एक एवं निस्वार्थ आदि गुणों का विकसित करता है, परंतु परिवार की चार दीवारी के चक्कर में पड़कर बालक के सारे गुणों को उसके निजी संबंधित सीमित रह जाते हैं, बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, इससे उसका दृष्टिकोण संकुचित होता है, वो उसी स्तर तक सोच पाता है अपनी परिवार स्तर तक, जबकि जब जैसे जैसे वो पढ़ाई करेगा, बाहर निकलेगा, वो देश दुनिया को जानेगा, सीखेगा, तब उसे समझ आएगा कि असल में दुनिया में कैसे कॉम्पिटिशन और कैसे चीज़ों को सीख रहा है, तो वो क्या करता है, विश्व के बारे में जानता है। तो स्कूल क्या करता है, परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, अगले भी ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको, जीवन की जटिलता कि जीवन में कितना संघर्ष है, हमें हमारे घरों में होता क्या है कि हमें हमारे घरों में प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, सब आदर सम्मान से रहते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि कितना जटिल है लाइफ। यहाँ पे लोग लोगों के झूठ से बचना है, लोगों के धोखे से बचना है, खुद को उनसे कॉम्पीट करना है, आगे बढ़ना है, तो विद्यालय में आके हमें क्या मिलता है बच्चों, जीवन की जटिलता का वास्तविक ज्ञान होता है, हमें समझ आती है। विशाल सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति कितनी बड़ी है, हमें उसे जानने को मौका मिलता है, उसको समझने का मौका मिलता है, अपने पूर्वजों को जानने का मौका मिलता है, तो विद्यालय इस प्रकार से क्या है बच्चों, बहुत ही आवश्यक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे हम, हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, अगले पॉइंट की अगर हम देखेंगे तो अगला हमारा पॉइंट है कि विद्यालय की बहुमुखी प्रतिभा का उत्तम स्थान, विद्यालय का ऐसा स्थान होता है जहाँ बालक के अंदर की जो भी प्रतिभाएं हैं, उसकी स्विमिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गई, क्रिकेट हो गया, खेल हो गया, कला हो गया, किसी भी प्रकार की उसकी प्रतिभा है, उसको प्रदर्शन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे कोई उत्तम स्थान होता है तो वह विद्यालय होता है। तो विद्यालय क्या करता है कि उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है और उन चीज़ों पर कार्य करता है, और बालक को क्या करता है, और अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है उन चीज़ों को आगे करने के लिए। तो हम देख रहे थे कि विद्यालय का महत्व या विद्यालय की आवश्यकता, तो उसी में ये वो सारे पॉइंट हैं जो को आपको समझ के अपने शब्दों में लिखना है, पॉइंट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। विशिष्ट वातावरण की अवस्था, एक स्पेशल हमें इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे बच्चे एक साथ रह के पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, दूसरे बच्चों के साथ समझते हैं कि वो कितना आगे जा रहा है, मेरे अंदर कहाँ कमी है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं विद्यालय में जाके। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वन बाई वन इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला यहाँ पे पॉइंट है बच्चों कि व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण विकास, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली बात है, हम नई नई भाषाओं को मतलब जो भी भाषा हम जानते हैं उसको और बेहतर से कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को जानना है, इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। हमारे घर और परिवार में क्या होता है कि हमारी खुद की एक भाषा होती है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, मगर विद्यालय आने के बाद हमें क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी के अंदर और डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत एक विकास होता है। चलिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे जो भी उनकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करते हैं, कुछ विज्ञान सीखते हैं, कुछ कला सीखते हैं, और जैसे भी सीख के इंसान अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूरी करता है, कुछ पैसे कमाते हैं, कुछ व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जीवन में सहायक है विद्यालय। तो और भी पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं फिर। ठीक है, चलिए, सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन, ठीक है, कैसे कम्युनिटी के साथ रहना है, एक साथ बच्चे मिलकर कैसे रहते हैं एक समाज में, एक समुदाय में, इसको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है तथा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः दोनों सामाजिक विकास तथा सामुदायिक जीवन विकास करने में सहयोग प्रदान करते हैं। सामाजिक विकास में सामाजिक गुण प्राप्त होते हैं तथा सामुदायिक जीवन में बालक में स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व आदि आदर्शों को महत्व को प्रोत्साहित किया जाता है विद्यालय में जाके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सामुदायिक जीवन को कैसे एक कम्युनिटी के साथ रहना है, इन सारी चीज़ों को बच्चे विद्यालय में जाकर सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। हमने बताया था ना कि वो एक उत्तम वातावरण, वहाँ पे एक विशिष्ट वातावरण मिलता है बच्चों को सीखने के लिए, तो वही बात है कि विद्यालय की आवश्यकता और विद्यालय का महत्व ये भी है कि विद्यालय में सीखने का एक अच्छा स्थान मिलता है, सीखने की एक बेहतर चीज़ें मिलती है। लेकिन फिर भी जो बेस्ट शिक्षा के स्थान है, मैं यही कहता हूँ कि वो घर परिवार है, बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखता है, जो आधार है शिक्षा का, वो घर और परिवार ही होता है। चलिए,
आदर्श एवं विचारधारा का प्रसार होता है, ठीक है, आदर्श एवं विचारधारा। इसलिए नहीं कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम नए नए विचारधाराओं को जानते हैं, हमारे जो भी प्रमुख किताबें हैं या फिर जो भी ग्रंथ हैं उसको सीखने और समझने की चीज़ें हमें मौका मिलता है और हमारी विचारधारा में परिवर्तन आता है, हम नई नई चीज़ों को जानते हैं। समाज का निरंतरता का विकास, समाज को आगे बढ़ाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों को हम जानते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो इस तरह से समाज का विकास होता है। प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है विद्यालय के माध्यम से, और शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है, ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है, लोग शिक्षित होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, अपनी स्वार्थ भावना से उठकर आगे बढ़ते हैं, एक साथ प्रेम सहयोग धैर्य उत्तरदायित्व इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर समाज को बढ़ाते हैं, तो एक शिक्षित वर्गीय क्या निर्माण होता है, शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है। इस तरह से और पॉइंट है बच्चों, जैसे विद्यालय परिवार पारिवारिक जीवन एवं बाहरी जीवन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, ये हमने देखा था। बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है, अर्थात हम दूसरों की संस्कृति के बारे में भी जानते हैं जिसे हम फॉलो नहीं करते मगर हम उसे समझते हैं, उसे जानने का मौका मिलता है, ठीक है। चलिए, राज्यों के आदर्श तथा विचारों का प्रसार, ठीक है, अब आपके राज्य में उनके क्या आदर्श है क्या विचार है, सरकार की क्या नीतियां हैं, उनको कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, उसको कैसे अमल करना है, इन सारी चीज़ों का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी बच्चों, ये सारी चीज़ें थी कि विद्यालय या स्कूल का आपके लिए क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों में, क्योंकि आपको लिखना अपने शब्दों में ही है, लिखना है समझ के ही है, क्योंकि आप जो याद करके जाएंगे वो एग्जाम्स में नहीं लिख पाएंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आसान से बोलचाल की भाषा में इसको समझा जाए। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी के जो पॉइंट है बच्चों इसी प्रकार से आपस में समझ के हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अभी तक जो बात नहीं कहता हूँ वो ये है कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने आप को जोड़िए, इस चैनल से जोड़िए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट में बताइए, अगर ना भी अच्छी लग रही हो तब भी बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे समझ में आए कि मुझे और कितना काम करना है इस पर। तो मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, एक अच्छी टीम बनाएं, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, एक अच्छी टीम बना के हम साथ में पढ़ाई करेंगे और इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके बीएड में। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।